ऑथराइजेशन के थ्रू जो है आप ये चीज़ डिटरमिन करते हो कि आपके पास क्या राइट्स होंगे, कि क्या एक्शंस आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी रिसोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पॉलिसी होती है, पॉलिसी फाइल होती है, एक जेसन फाइल होती है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल होती है, जिसमें परमिशंस स्पेसिफाई होते हैं कि किसके जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं और AWS की रिसोर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पॉलिसी फाइल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन लिखी होती है, मिसाल के तौर पर लिखा होता है कि अलाउ करना है या डिनाई करना है बंदे को, किस सर्विस के लिए अलाउ करना है या डिनाई करना है, और किस रिसोर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, किस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए ये परमिशन अप्लाई होगी, उसका ARN आप दोगे या अमेज़न रिसोर्स नेम दोगे। ठीक है, एक्शन बताओगे कि कौन कौन से एक्शन आपने अलाउ करने हैं। रीड का एक्शन अलाउ करना है, राइट का एक्शन अलाउ करना है, और इसके अलावा ऑप्शनली आप जो है कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हो दैट लिमिट द एक्शंस अलाउड बाय द परमिशन, कि आप जो है एक्शन को जो है लिमिट करना चाहो तो आप ये काम भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने एक AWS का जेसन का डॉक्यूमेंट शो किया हुआ है, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट, SID स्टेटमेंट ID हो गई है, एक स्टेटमेंट है जिसमें आपने अलाउ किया है, क्या अलाउ किया है, S3 का गेट ऑब्जेक्ट, S3 रिसोर्स जो है वो गेट कर सकता है, यानी जो है S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस से वो रीड कर सकता है, ऑब्जेक्ट को डाउनलोड कर सकता है, और दूसरा काम क्या कर सकता है, S3 के ऊपर लिस्ट बकेट कर सकता है, वो ये देख सकता है कि इस बकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। कंडीशन भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, कंडीशन आपने क्या स्पेसिफाई की, मिसाल के तौर पर आपने कंडीशन स्पेसिफाई की कि जो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि वो इस IP से रिक्वेस्ट कर सकता है, और AWS की S3 सर्विस पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई, लेकिन S3 के कौन से बकेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई उसका ARN मैंने नीचे दे दिया कि इस रिसोर्स को, इस स्टोरेज सर्विस की इस बकेट को मैं गेट भी कर सकता हूँ, लिस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन IP ये वाली होनी चाहिए। अब आपने पॉलिसी बना ली, अब आप किसी प्रिंसिपल के साथ इसको एसोसिएट करोगे। अब पॉलिसी कैन बी एसोसिएटेड डायरेक्टली विद एन IAM यूजर इन वन ऑफ टू वेज, यूजर पॉलिसी, आप किसी एक यूज़र के साथ अटैच कर सकते हो इस पॉलिसी को, या मैनेज पॉलिसी हो सकती है, जो किसी इंडिपेंडेंट यूज़र पे नहीं होगी बल्कि मल्टीपल यूज़र्स पे या मल्टीपल ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई हो सकती है। तो आप पॉलिसी एक यूज़र पे भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ग्रुप पे भी स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ग्रुप पॉलिसी बना दो कि ये पूरे ग्रुप के लिए ये पॉलिसी अप्लाई हो रही है,